अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें। हमें बताना है ट्रू और फॉल्स बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। देखो ध्यान देना भाई, रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं दो। रियल नंबर को हम रेशनल भी कह सकते हैं और रियल नंबर को हम इरेशनल भी कह सकते हैं। जितने भी रेशनल है उन सबको रियल कह सकते हैं, जितने भी इरेशनल है उन सबको हम रियल कह सकते हैं। तो जितने भी इरेशनल नंबर है उसको हम रियल कह सकते हैं। ये क्या है आपके? ट्रू है। आप लिख देना इरेशनल नंबर इज पार्ट ऑफ रियल नंबर, सो दिस इज स्टेटमेंट इज ट्रू, ऐसा हम लिख सकते हैं। अगला है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ रूट एम। मतलब रूट एम में कोई नंबर लाइन पर कोई नंबर है, एम क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ये बोला है कि अगर एम एक नेचुरल नंबर हो तो क्या वो नंबर लाइन पर आएगा? ये आ सकता है, ये नंबर लाइन पर आ सकता है, रूट नाइन आ सकता है, लेकिन ये नंबर लाइन पर नहीं आते हैं, फिक्स नहीं है इनका जगह, क्योंकि ये नंबर इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हम केवल डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं लेकिन एक्चुअल में वो जगह उसकी नहीं है, फिक्स जगह हम उसको नहीं बता सकते। तो ये जो है ना वो क्या है भाई? आपके फॉल्स है। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल। देखो ये रहा भाई, यहां पर एवरी रियल नंबर इज रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है। लिख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है वो क्या है? फॉल्स है। आप ये लाइन लिख देना एवरी रियल नंबर इज रेशनल एंड इरेशनल, नॉट ओनली इरेशनल। रियल नंबर जो है ना वो रेशनल भी है और इरेशनल भी है, ओनली इरेशनल नहीं है। ये जो कह रहा है वो भी क्या है भाई? आपके फॉल्स है। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।